सुधीर से जमन बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका पीएमआईएस जोरो शोरो पर। जोरो शोरो में एक छोटा सा वर्ड लगेगा जिस तरीके से भी चल रहा है, बिकॉज बहुत एक अलग तरह की फेस्टिविटी निकल कर आ रही है। कंपटीशन अपनी जगह, सीखना अपनी जगह, अंडरडॉग्स, न्यू कमर्स एंड पूरी पूरी फॉर्म्ड अप टीम्स, हर एक चीज का यहाँ पर कॉम्पिटिशन अलग लेवल पर पहुंच चुका है। उसी सब चीजों के बीच में एक टीम आती है जो की डार्क एंजेंट रहेगी। इनके गेम प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो इनके गेम प्ले के अंदर एक प्लेयर आएगा जो कि आरू रहने वाला है, जिसने मिरामार के अंदर एक तरीके से तहलका मचा दिया था। बहुत कम वहां पर रिसोर्सेज है उसके अंदर, फाइट ली बहुत अच्छे तरीके से फाइट ली, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर इट ऑल स्टार्ट्स, मी ओशन शर्मा विल बी टॉकिंग अप ऑल द गुड्स बैड्स एंड अंग्रेजी एंड क्रेजी। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं आपके पास आऊंगा देवांश, बिकॉज यू आर दी आईजीएल फॉर द टीम। सो आईजीएल से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो आपकी टीम बनी डार्क टेंजेंट, ये कैसे बनी, क्या आपकी जर्नी रही है पूरे के पूरे फॉर्मेट्स के थ्रू, कितना टाइम पहले टीम बनी है, तब से अभी तक ग्राइंड कैसा रहा आपका? मेरे को टॉर्पिडो, जो अपना T10 वाला टॉर्पिडो है जो टेरिफिंग नाइटमेयर से खेला था, उसने मेरे को अप्रोच करा था। तो फिर उसके बाद फिर उसने टीम में आरू को लिया था। तो एक्चुअली फिर हमने आरू के साथ ट्राई करा, फिर आरू के साथ खेला, फिर उसके आरू ने टॉप डॉग को भी लिया। फिर मैंने रैप्टर को अप्रोच करा था इंस्टाग्राम पे, मतलब उसका गेम पे दिखता था, T2 में अच्छा खेलता था वो, असॉल्टिंग अच्छी करता था। तो फिर मैंने उसको T2 से मतलब उसको बुलाया, फिर उसके बाद हमने टीम फॉर्म करी, PMC के लिए रजिस्टर करा और PMCO में खेले थे। बट इन गेम क्वालिफायर्स में, मतलब जो हुए थे ऑनलाइन क्वालिफायर्स, उसमें एक किल के एवरेज से हम रह गए थे। तो फिर उसके बाद और प्रैक्टिस करी, फिर अब बस इतनी बेहतरीन असॉल्टिंग करना, वो भी मिरामार का मैच जो कि आपको क्वार्टर फाइनल्स का था, वो तो बहुत ही ज्यादा एक अलग लेवल पर लेकर गया, बिकॉज वहां पर आपकी टीम सिक्स्थ पोजीशन पर एलिमिनेट हो सकती थी। सिक्स पोजीशन से अपनी टीम को आप सेकंड तक लेकर आए, आपने 7-8 किल्स अपने लिए निकाले, टीम के लिए इतने अच्छे किल्स निकाले, कैसे, क्या चीज था आपके माइंड में उस टाइम? चाहे रोल जो भी हो, चाहे स्नाइपर हो, चाहे कोई भी रोल हो किसी का भी प्लेयर का, सी असॉल्टिंग तो सबकी टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि हर टीम का ना एक सिचुएशंस बनती है, 1v1 सिचुएशंस, 1v2 सिचुएशन। जैसे मान लो असॉल्टर्स मर जाते हैं टीम के, तो हमको भी फ्रैगिंग करनी पड़ती है, हमको भी असॉल्टिंग करनी पड़ती है, मुझे और हमारी टीम के स्नाइपर को। सो खेलते टाइम प्रेशर ज्यादा नहीं रहता जी। काफी सही। एंड अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा अंकित आपसे, जिस तरीके के अभी तक टूर्नामेंट चल रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसी टीम जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी कंपटीशन आपको दे सकती है, I would ask you two names, एक नोन टीम और एक अननोन टीम, जो आपको लगता है बहुत अच्छी कंपटीशन अभी PMIS में दे रही है? मेन तो TSM एंटिटी है, और उनके अलावा अगर अननोन टीम्स को देखें तो INS काफी अच्छा खेलने लगे, मतलब उन्होंने काफी, जब से उनकी टीम फॉर्म हुई है, अलादीन ने करी है काफी बेहतरीन। अंकित कोई नेम अगर आपके माइंड में हो कोई टीम का जो आपको लगता है बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है? लूपस्ट्रॉन्ग की टीम जो है वो काफी अच्छा खेले, फर्स्ट डे मैंने उनका पूरा गेम प्ले देखा, पूरा मैचेस बैठ के देखे सारे जी। अरुण, इज देयर एनी स्पेसिफिक नेम जो आपको लगता है कि आपकी नजरों में रहेगा? आई वुड से नोन के लिए तो ऑरेंज डॉग, बिकॉज उनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। TSM इज अ रियली गुड टीम फॉर एग्रेशन इफ यू से, बट इफ यू हैव टू से टू लाइक विन अ टूर्नामेंट, देन ऑरेंज डॉग की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। एंड देन अंडरडॉग टीम के लिए डेफिनेटली आई वुड गो फॉर लूपस्ट्रॉन्ग, बिकॉज मैं उनके इसको जानता हूँ, दे आर ब्रांडेड फॉर so long time and their gameplay was really impressive for the first day. जी, तो Raptor, अगर कोई टीम आपको लगता है कि इन लोगों ने छोड़ दियो, बट आपकी नजरों में कोई टीम है तो? Known के लिए TSM Entity लग रहे हैं, और underdog की बात करें तो Loopstorm ही अच्छा कर रही है ये टूर्नामेंट की बात करें। काफी ज्यादा बढ़िया, काफी काफी अच्छा। एंड अब जैसे आप लोग आए हैं डार्क टेंजेंट, डार्क टेंजेंट का अपना एक फैंटम बनेगा। So, देवांश आप तो पहले से इस सर्किट में रह चुके, प्रो सर्किट में एक तरीके से, तो आपका कोई मैसेज रहेगा आपके फैंस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, या फिर कुछ ऐसे लोगों के लिए जो अभी ग्राइंड कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमें वो प्रो सर्किट में दिखेंगे, तो कुछ कोई मैसेज अगर आप देना चाहें उनको? मेन चीज है स्ट्रेटेजी अच्छी बनाओ, बाकी क्या। और फैमिली के लिए यही है कि फैमिली तो मेरे को सपोर्ट कर ही रही है स्टार्टिंग से, और बाकी फैंस हो करते रहो बस सपोर्ट, और क्या। काफी सही एंड काफी अच्छी बात है यहाँ पर हमें आईजीएल के थ्रू देखने को मिली है। तो ये तो पूरा का पूरा इंटरव्यू डार्क टेंजेंट की टीम के साथ, जो हमने जाना देखा परखा, और आईजीएल की बातें हमने जो काफी अच्छी लगी हमें, आरू से हमने थोड़ी सी गुफ्तगू करी, अंकित से हमने बातें जानी, राफ्टर से हमने उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानी टीम्स के बारे में। सो सब टीम, सब प्लेयर्स एक तरीके से कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, एंड प्रॉब्ली गाइज आई थिंक कि आपके पास वो PMIS की ट्रॉफी हो सकती है, जैसा आपका प्रदर्शन जा रहा है, जिस तरीके से आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन निकल कर रहा है। आई विल जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स, एंड
लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो